ओम गुरुवर ब्रह्मा गुरुवर विष्णु गुरुवर देवो महेश्वर गुरुवर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांत कारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थित नमस्तस्ये 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 नमो नमः। सभी गुरुओं को प्रणाम। दोस्तों, इस वीडियो के द्वारा मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी की आपके लिए एक छोटी सी डेमो रिकॉर्ड कर रहा हूं। जब आप ये डेमो यूट्यूब पर देखेंगे तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि उन्नति एस्ट्रो वाला से जुड़ के आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी अगर पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको उसके बारे में इस वीडियो में कुछ बता रहे हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। जो हमारा कोर्स है वो 26 मार्च से स्टार्ट होगा, शनिवार एतवार को है। दिन में इंग्लिश में है लैंग्वेज और रात को हिंदी में भी है। तो वो मैं बाद में कंटेंट्स के साथ शेयर करूंगा। तो अभी एक एग्जाम्पल के द्वारा हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। दोस्तों, ये यहाँ पर एक नेटिव का चार्ट है जिसमें राशि चार्ट और D9 या आप कह सकते हैं D1 और D9 चार्ट यहाँ पर दिए हुए हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे डिविजनल चार्ट्स हैं, लेकिन अगर बेसिक रूप से किसी नेटिव के बारे में जानना हो तो राशि चार्ट के साथ साथ D9 का भी बहुत महत्व होता है। आज हम इस चार्ट में जिस भी नेटिव का चार्ट है उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो राशि चार्ट को हम एक तरह से हम कहेंगे कि जो पेड़ है, अगर मान लीजिए कोई ट्री लगा है, या तो ट्री मान लीजिए कि वो पॉमीग्रेनेट का है यानी अनार का है, तो उस पेड़ जो है वो राशि चार्ट है, और उसके ऊपर जो अनार लगने वाले या जो फ्रूट लगने वाला है वो D9 चार्ट है। इस पहली स्लाइड में मैं वही सब डिस्कस करना चाहूंगा। अब ये देखिए, इस जातक का जो लगन उदित हो रहा है या राशि चार्ट में वह शुक्र है, और शुक्र अपने ही राशि में बैठा हुआ है और अपने मित्र शनि के साथ बैठा हुआ है। यहाँ पर शुक्र अपनी राशि में है, शनि उच्च का है, और यहाँ पर बुध जो कि इस भाव में गुरु के साथ दिग्बली होता है, यहाँ पर बुध और गुरु दिग्बली होते हैं, और दिग्बली होने के साथ साथ यहाँ पर बुध जो वक्री भी है, यानी वक्री ग्रह वह ग्रह है जो जब भी रिजल्ट देगा, चाहे अच्छे दे या बुरे दे, वो बहुत ही मजबूती के साथ देता है। लेकिन बुध जहाँ जिन घरों के साथ बैठता है वैसा ही बिहेव करता है, वैसे ही रिजल्ट देने की कोशिश करता है। तो यह अपने मित्रों के साथ बैठा हुआ है, तो यानी यह मित्रों में अपने आप को एंजॉय करेगा। अब दूसरी बात ये आती है कि ये जातक कैसा होगा। लगन में वैसे शनि जातक को थोड़ा सुस्त बनाता है या उसकी प्रोग्रेस में थोड़ा डिले कराता है, परंतु जब शनि यहाँ पर उच्च का हो जाए या सर्व राशि हो जाए तो वह बंदे को बहुत एनर्जेटिक भी बनाता है, और वह बहुत ही फास्ट काम करने वाला भी होता है, यानी उसके काम में बहुत फास्टनेस या आप कह सकते हैं तीव्रता रहती है, एज कंपेयर टू जैसे हम कहते हैं कि बंदा सुस्त होगा। और शुक्र है तो शुक्र जातक खुद के अपनी राशि में बैठा हुआ, यानी ये बंदा या ये जातक या ये जाति का बन ठन के यानी टिप टॉप आप कह सकते हैं वह रहना पसंद करेगा, यानी ड्रेसिंग सेंस भी इस बंदे की अच्छी होगी। अगर सूर्य युक्त भाव में बैठ जाए तो सूर्य यहाँ पर
आप कह सकते हैं ये ना तो पापी ग्रह की कैटेगरी में आता है और ना ही शुभ ग्रह की कैटेगरी में आप कह सकते हैं, लेकिन ये एक क्रूर ग्रह है जो शुभता के साथ भी रिजल्ट देता है। तो यहाँ पर अगर इनके परिवार में ये देख सकते हैं, अगर सूर्य अपने मित्र की राशि में बैठा है जहाँ भी इस जातक का जन्म हुआ होगा, इसके जन्म के बाद इसके पिताजी जो प्रोग्रेस है वो फाइनेंशियल पोजीशन या फैमिली में जो स्टेटस है वो पिताजी का बड़ा होगा, यानी पिताजी का अपने परिवार में अपनी फैमिली में कद बड़ा होगा। अब तीसरे भाव में अगर देखेंगे तो यहाँ पर गुरु की राशि है और सेजिटेरियस साइन यानी धनु साइन है, और गुरु नवम भाव का जो कारक भी होता है यानी नवम भाव का वो लॉर्ड भी आप कह सकते हैं, वो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से वह भी रेट्रोगेट है और वो थर्ड हाउस को ही देख रहा है। वैसे तो जुपिटर के लिए थर्ड हाउस एक मरण कारण स्थान है, तो लेकिन फिर भी वो अपने भाव को देख रहा है और नवम भाव से बैठ के देख रहा है, जहाँ का वो आप कह सकते हैं कि वहाँ पर अपने आप को बहुत अच्छा फील करता है, वो देख रहा है, लेकिन वो राशि जो है गुरु जहाँ बैठा हुआ है वो भी बुध की है, जो गुरु है बुध की राशि में अपने आप को इतना अच्छा महसूस या सहज महसूस नहीं करता, यानी वो अपने कुछ राशियों में बहुत अच्छा कंफर्टेबल फील करता है, वैसा यहाँ पर वो गुरु की जो बुध की राशि में गुरु बैठ जाए तो इतना अच्छा फील नहीं करता है। तो यानी इसके अगर इस चीज को मैं लगाऊं थर्ड हाउस से रिलेटेड एक्टिविटीज, छोटे भाई बहनों से वैसे तो प्रेम रहेगा, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें जितना वो प्रेम करने की कोशिश करेगा इन रिटर्न उसको उतना शायद ना मिले। दूसरी बात कि उसके जो सोशल सर्कल मतलब जहाँ पे वर्किंग प्लेस के जो उसके फ्रेंड्स या कलीग्स होंगे, जो उसके सहयोगी होंगे, वो भी उसके साथ वर्किंग प्लेस पे कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, क्योंकि ये बुध की राशि में गुरु बैठा हुआ है और वो चाहे अपनी राशि में देख रहा हो लेकिन वर्किंग प्लेस पे इनके साथ इनके सहयोगी इनको कुछ दिक्कत दे सकते हैं। और राहु अगर फोर्थ हाउस में बैठा हो तो जातक अवश्य ही एक बड़ा घर बनाता है, चाहे वो शनि की राशि में बैठा है, और शनि और राहु को हम बोलते हैं राहु जो है वो शनि के बराबर ही रिजल्ट देता है, लेकिन राहु यहाँ बैठने से हो सकता है कि नेटिव एक बड़ा घर बनाए, पुराना घर लेके या जो भी उसको रिनोवेट करे, लेकिन इसके साथ साथ राहु फोर्थ हाउस में कुछ प्रॉब्लम भी हेल्थ वाइज दे सकता है, और उसके स्टेटस में जो पब्लिक स्टेटस है उसमें भी कभी ना कभी आके कोई डाउनफॉल दे सकता है, क्योंकि जो पब्लिक के बीच में स्टेटस है, जो जनता के बीच में स्टेटस है, वहां पर अगर राहु शनि की राशि में बैठ जाए तो इस बंदे की इमेज साफ सुथरी होने के बावजूद ये दर्शा सकती है कि ये बंदा थोड़ा एग्रेसिव नेचर का है या इसका व्यवहार जो है वो एग्रेसिव है। पंचम भाव एजुकेशन का है और पंचम भाव का स्वामी यानी हायर एजुकेशन का लॉर्ड, और वो नाइन्थ हाउस में चला गया, यानी ये बैचलर्स एजुकेशन है, ये बैचलर्स के बाद वाली रिसर्च वाली या मास्टर्स वाली एजुकेशन, चाहे वो रेट्रोगेट होके पीछे अष्टम में आएगा उसका भी असर यहाँ पे देखने को मिलेगा, लेकिन एक एजुकेशन ये जातक अपने मेहनत से अच्छी करेगा, बच्चे भी इसके अच्छे निकलेंगे, लेकिन अगर जब यहाँ गुरु रेट्रोगेट का है और अष्टम भाव में जब गुरु बैठेगा तो यहाँ पर कुछ ना कुछ बच्चों की लाइफ में आगे चल के दिक्कत दिखती है, कोई कष्ट उनके जीवन में दिखते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो होंगे ही, लेकिन यहाँ पर अगर हम संभल जाएं और देख लें उसका वे आउट निकाल लें तो जीवन थोड़ा आसान हो सकता है, परंतु यहाँ पर जो चीज दिखती है या जो मैं डेमो वीडियो में बताना चाहता हूँ वह अवश्य है, क्योंकि यहाँ पे जो जुपिटर है, चाहे यहाँ पर राशि शनि की है और शनि लगन में बैठा हुआ है, लेकिन यहाँ जुपिटर इसको नाइन्थ एस्पेक्ट से
इसको देख भी रहा है और यहाँ पे वो रेट्रोगेट भी हो रहा है। तो इसका और A7 और A9 का यहाँ पर पाड़ा भी है, तो इस वजह से कुछ जुपिटर बच्चों का कारक भी है। तो आप इस हिसाब से कुछ दिक्कत इसमें देख सकते हैं। शायद मैंने अभी पीछे इस भाव का स्वामी बोल दिया, इस भाव का स्वामी शनि है, यानी इसकी अगर मान लीजिए इसने बैचलर्स की होगी, बैचलर्स के पास इसके पास थोड़ा स्लो रिजल्ट रहा होगा या अपना हायर मेरिट नहीं होगी, उसके बाद हो सकता है कि कोई गैप भी आया हो और उसने जब दूसरी डिग्री की हो बैचलर के बाद वो दिखता है। लेकिन गुरु के रेट्रोगेट होने से या ब्लेसिंग देने से वो उसको कंप्लीट अवश्य करेगा। और यहाँ पर छठे भाव का अब स्वामी जो है वो नवम भाव में गया है। मैंने देखा है कि जो लोग जिनका सिक्स लॉर्ड अगर नाइन्थ में चला जाता है तो वो अक्सर मैंने देखा है कि एक बॉस लेवल की नौकरी करते हैं, यानी ये सर्विस का अगर हाउस है, सिक्स हाउस सर्विस का है, तो उनके नीचे काफी सारे सब ऑर्डिनेट होते हैं। जहां पर चंद्रमा बैठा हुआ है उसके बैठने से इनके काम में लगातार बदलाव होता रहेगा समय समय पर, क्योंकि इनका एक काम के ऊपर एक जगह के ऊपर काम नहीं कह सकते आप, एक जगह के ऊपर से काम एक ही करें, जैसे फॉर एग्जांपल कोई टीचिंग की नौकरी करता है हर 3 साल में स्कूल बदल ले, 3-4 साल में, या उसके ट्रांसफर वाली जॉब हो जाए, कुछ इस तरह की इंडिकेशन अगर चंद्रमा छठे भाव में बैठा हो देखने को मिलता है। अब यहाँ पर जब सप्तम भाव का स्वामी अगर 12th में चला जाए, एक चीज तो ये भी बताती है कि इसके जातक की जो पत्नी हो सकती है वो विदेश से हो सकती है। अगर वो विदेश से संबंध नहीं है तो क्योंकि वो 6 राशि में भी है तो वो किसी दूर स्थान से हो सकती है जहाँ के वो रहने वाले हैं। अगर मान लीजिए वो किसी एक स्टेट के रहने वाले हैं, अगर मैं इंडिया की बात करूँ, इंडिया में अगर मान लीजिए कोई एक स्टेट में रहता है तो उसकी पत्नी उस स्टेट से ना होकर दूसरे स्टेट से हो सकती है जहाँ पर थोड़ा सा कल्चर डिफरेंट होता है। वो राहु का कंसेप्ट होता है कि भाई जब आपका दूसरे रिलीजन से हो सकती है, बट क्योंकि यहाँ पर दूर स्थान को ट्रेवल को इंडिकेट करता है, लंबे ट्रेवल करके जहाँ पे जाना हो तो वो इस चीज से यहाँ पर दिखता है। अगर अष्टम भाव का अब जो स्वामी है वो लगन में ही है, तो ये इन जातक के जो सेहत को लेके कठिनाइयों को लेके समय समय पर वो हो सकती है, इनको कुछ धन भी इनहेरेंट्स में मिल सकता है, लेकिन उसके चांसेस कम है क्योंकि यहाँ पर गुलिका और मांडी आ गया। जहाँ पर गुलिका और मांडी आता है उस भाव को वो थोड़ा सा नुकसान पहुँचाते हैं, उसके रिजल्ट में जो उसकी क्वालिटी को है वो डिक्रीज करते हैं। इसलिए इनहेरेंट्स का इसमें मुझे कितना जो पैतृक वाली है उसमें अगर मिलेगा भी तो वो वाला हिस्सा नहीं मिलेगा जितना वो डिजर्व करते होंगे। नवम भाव का स्वामी फिर लगन में गया तो इनके पास धर्म को लेकर, रिलीजन को लेकर, पिताजी के प्रति इनके काफी श्रद्धा रहेगी, ये उनकी रिस्पेक्ट भी करेगी और इनके जीवन में उनका योगदान भी रहेगा। ये तो दशम भाव में लोग अक्सर ये कहते हैं, देखा भी गया है कि दशम भाव अगर हमारे प्रोफेशन का है, व्यवसाय का है, उसमें बहुत बदलाव करवाता है, उसमें स्टेबल नहीं होने देता। तो अगर वो कोई रेमेडी करता है या कोई उस कारक से वो काम कर लेता है तो काफी चलता है। जैसे यहाँ पर चंद्रमा की राशि है और चंद्रमा की राशि से मैं जहाँ तक ये जातक को जानता हूँ, इन्होंने काफी समय अपना चंद्रमा के कारक यानी दूध का यानी जहाँ पे प्लांट होता है मिल्क प्लांट, वहाँ काम किया है। लेकिन क्योंकि वो स्वामी सिक्स हाउस में चला गया, 10th का स्वामी सिक्स में चला गया, तो इनके अक्सर प्लांट बदलते रहे हैं, कंपनी भी इन्होंने बदली है। लेकिन केतु का इफेक्ट होने की वजह से वो उनकी अनस्टेबिलिटी, क्योंकि केतु जहाँ बैठता है अगर उसका प्रॉपर आप कह सकते हैं उपाय या प्रॉपर उसका डिवोशन उस काम के प्रति ना हो, नंबर ऑफ एफर्ट्स जितने ये डिमांड करता है ना हो, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव रिजल्ट देते हुए पाया गया है।
अगर एकादश भाव यानी इलेवंथ हाउस का स्वामी सेकंड में पहुंच बैठ जाए तो हम ये कह सकते हैं मैंने अपने जितने में चार्ट स्टडी किए हैं या मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा, मैंने देखा है जहां पर इलेवंथ हाउस में कोई प्लेनेट बैठ जाए वो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, लेकिन इलेवंथ हाउस का लॉर्ड यानी एकादश कहीं पे बैठ जाए वो वहां पर उस भाव के रिजल्ट को कम करता है। अगर मान लीजिए इनका एकादश भाव का यानी इलेवंथ लॉर्ड यहाँ पे बैठा हुआ है, फाइनेंशियल वाले फाइनेंस कह सकते हैं, परिवार का धन कह सकते हैं, इनकी अपनी वाणी कह सकते हैं, इनका खाने का तरीका कह सकते हैं, जो फूड खाते हैं, हम ये सेकंड हाउस से देखते हैं। तो यहाँ पर चाहे इलेवंथ हाउस बहुत अच्छा माना गया है फुलफिलमेंट ऑफ ऑल डिजायर्स, यानी जो हमारी डिजायर जो इच्छाएं पूर्ति हैं, इच्छा पूर्ति जो देखते हैं वो हम इलेवंथ हाउस से देखते हैं, इच्छाओं को हम जो हमारी इच्छाएं जागती हैं वो थर्ड हाउस से देखते हैं, लेकिन इच्छाओं को पूर्ति हम देखते हैं इलेवंथ हाउस से। तो जब इसका लॉर्ड किसी भी भाव में बैठेगा तो वहां पर उस के भाव के संबंधित उसमें फ्लक्चुएशन लेके आए। इवन सूर्य एक राजा की तरह है, सूर्य यहाँ का स्वामी वहां बैठ गया अपने मित्र की राशि में, लेकिन इनकी फाइनेंशियल स्टेटस कभी बहुत अच्छा होगा और कभी इनको पैसे की तंगी या इनकी जो रिक्वायरमेंट्स होंगी, अगर मान लीजिए वो रिक्वायरमेंट्स पूरी होती रहेंगी कहीं भी किसी भी हेल्प से, लेकिन कई बार क्या होगा कि इनके पास खुद को फील करेगा कि मेरे पास जितना फाइनेंस होना चाहिए था या जितना घर में सुख सुविधाएं होनी चाहिए थी उतनी नहीं है। बारहवा भाव आइसोलेशन का है, सेपरेशन का है। सेपरेशन का मतलब एक अलग से रहना है, मतलब जैसे किसी को हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं तो वह अकेला रहता है, परिवार से कुछ समय के लिए सेपरेट होता है। कुछ लोग बारहवें भाव से, या मैं भी, जब आप कह सकते हैं कि बारहवें भाव से हम आइसोलेशन अगर देखते हैं तो जेल से भी देखते हैं, जेल की यात्रा जो बारहवें भाव से देखते हैं, तो इसमें या हॉस्पिटल जेल यात्रा या आप कह सकते हैं जो मोक्ष का भाव है वो भी यहाँ से देख सकते हैं। कैसा रिजल्ट मिलेगा वो एक इंडिविजुअल की करेक्टरिस्टिक के ऊपर है, मैं अगली स्लाइड में कुछ बताऊंगा उसके बारे में, लेकिन अभी यहाँ पर आप ये कह सकते हैं बारहवें भाव में मंगल बैठा हुआ ये थोड़ा सा मैरिड लाइफ के लिए या जहां जहां इसकी दृष्टि है उन रिलेशंस को ये कम करता है। अगर मंगल की चौथी दृष्टि करें थर्ड हाउस में सिबलिंग्स के, छोटे सिबलिंग्स के, यंगर सिबलिंग्स के साथ रिलेशन, सेवंथ हाउस में देखेंगे तो प्रोफेशन ना सॉरी सिक्स्थ हाउस में देखेंगे तो सेवंथ एस्पेक्ट से प्रोफेशन के ऊपर, और एट्थ जो मार्स की एस्पेक्ट है वो मैरिज, तो मैरिज को लेके हो सकता है उनको जितनी खुशी की उम्मीद रखती है वो ना मिलती हो, प्रोफेशन में जिस लेवल का परफॉर्मेंस चाहते हैं वो ना मिलता, और सिबलिंग्स से जो ये इन लियो ऑफ दैट एक्सपेक्टेशन कि भाई मैंने उनका सहयोग किया तो वो मेरा करे, उसमें वो कमी हो सकती है। ये हो गया एक जो मैंने आपको कहा ओवरऑल पेड़। इस पेड़ पे कौन सा पेड़ है, किस टाइप के पत्ते हैं, कैसा इसका तना है, कैसी इसकी प्रोजेक्शन है कि इस पे अब फल लगेगा कि नहीं लगेगा। फल में जैसा मैंने कहा ये अनार का पेड़ है तो मान लीजिए ये अनार मोटे लगेंगे या उसके ज्यादा जो अनार लगेगा उसके बीज ही बीज मोटे हो जाएंगे या उसमें रस कम होगा, यानी उसमें वो देखना है, वो देखेंगे हम बीज। वही चीज यहाँ बताती है। अब देखिए शनि आ गया गुरु की राशि में, कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर चाहे सजिटेरियस साइन अच्छा है लेकिन ये सेजिटेरियस साइन के सामने अगर देखेंगे तो मरकरी इसमें आ जाएगा, तो इनका रिलेशन और इनकी वाइफ का रिलेशन, और यहाँ मार्स भी बैठ गया मरकरी के साइन में, यानी मार्स और सैटर्न एक दूसरे को देख रहे हैं। चाहे ये काम की वजह से दूर रहे अपनी पति पत्नी से, पत्नी बच्चों के साथ रहती रही, ये इस टाइम पे उम्र इस जातक की अराउंड 70 ईयर्स कह सकते हैं, 68 to 70 ईयर्स के बीच में है, क्योंकि हम डिटेल्स अपने वीडियो में किसी भी नेटिव की शेयर नहीं करते। अगर हम यहाँ पढ़ाने के उद्देश्य से या कुछ डिस्कस करने के लिए उद्देश्य से किसी का चार्ट लेते हैं तो उसकी डिटेल्स को हम बिल्कुल शेयर नहीं करते। तो इसका मतलब जब सैटर्न और मार्स एक दूसरे को देख रहे हैं, चाहे राशि जिसमें बैठे हैं, तो वो उस रिलेशन को लेके यानी आपस में मन मुटाव, लड़ाई झगड़ा या कुछ भी इस तरह का
या दूरी, उस रिलेशन में दूरी को दर्शाते हैं। तो ये हो सकता है कि भाई इस अपनी जॉब की वजह से ये अगर हफ्ते 10 दिन बाहर रहते होंगे तो घर में उस टाइम ही अपनी बीवी के साथ इकट्ठे रहे होंगे, मैक्सिमम टाइम उन्होंने घर से किसी भी वजह से दूरी निकाला। इसी भाव से देखिए चंद्रमा, चंद्रमा यहाँ पर आ गया, चंद्रमा खुद लिक्विड मनी का है और वो लिक्विड मनी के साथ चंद्रमा को मैं थोड़ा सा चीटिंग के लिए भी मानता हूँ, तो इनको पैसे के लिए लेके परिवार में कुछ चीटिंग हो सकती है। लेकिन अगर यही चंद्रमा अगर यहाँ पर बैठा हो सेकंड हाउस में, तो हम ये कह सकते हैं वो कुल दीपक भी कह लीजिए, उसमें अपने चिरा अपने परिवार के लिए वो सोने का पाया लेके आया, तो उसमें प्रोग्रेस जो होती है जो बच्चे के उसके परिवार में आने से वो भी बढ़ जाती है। बट ये D9 में है, ये D1 में नहीं है, तो यानी रियलिटी में जो फूट लगा वो भी इसमें चीज जो मैं कह रहा हूँ, यानी इनके आने के बाद परिवार की फाइनेंशियल पोजिशन इम्प्रूव होती गई होगी, चाहे इन्होंने खुद अपनी मेहनत से की होगी या इनके आने से परिवार की इनकम बढ़ती चली गई होगी। ये तो जब वो पैदा आज से मान लीजिए 68 ईयर्स पहले हुए हैं, तब से लेके अगर आज तक का देखेंगे तो ये प्रोग्रेस बताती है कि उनका परिवार फाइनेंशियली ग्रो किया है। शुक्र और राहु अभी भी कम्बिनेशन थोड़ा सा पर्सन को फीमेल के प्रति सजग रहना चाहिए और ये देखना चाहिए कहीं वो आपकी लाइफ को रूम ना करे, या आप शुक्र के और भी कारक ले सकते हैं। राहु के साथ शुक्र थोड़ा सा पॉजिटिव रिजल्ट कीजिए, नेगेटिव साइड रिजल्ट दिखता है। अगर वो बंदा उसकी एनर्जी पॉजिटिव कर ले और अपने आप को इम्यून कर दे राहु की नेगेटिव थिंग से, तो राहु फिर शुक्र के साथ होने की वजह से पॉजिटिव रिजल्ट देता है। लेकिन अदरवाइज 90% चार्ट में जहां पर शुक्र और राहु का कॉम्बिनेशन देखा गया है, 90% चार्ट में ये गलत काम का ही रिजल्ट। डिजायर किसके प्रति होंगी? आप राहु डिजायर को इंडिकेट करता है, शुक्र फीमेल को करता है या पत्नी को करता है, आप इसमें से उस चीज को अगर आप पकड़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसी भाव से फोर्थ में अगेन शुक्र सॉरी गुरु की राशि है और गुरु इस चार्ट में 11th हाउस में बैठा है। ये देखिए कि फोर्थ और जब 11th का हाउस का रिलेशन बन जाता है लॉर्ड का पोजीशन का, तो कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी में चीटिंग होने के या कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी को लेकर विवाद या दिक्कत होती हुई दिखाई देती है। ये यहाँ नहीं दिख रही, लेकिन क्योंकि पेड़ वही है जिसपे पेड़ पे अब ये फल लग रहा है, तो इसीलिए दोनों चार्ट को स्टडी करना पूरे कारक तत्व के साथ राशि के साथ आना चाहिए। और ये हम अपने कोर्स में एक एक प्लेनेट को लेके उसके D1 और D9 के साथ कोरिलेट करते हुए पढ़ाते हैं, या हम अपने जो भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहता है उसके साथ आगे लेके चलेंगे, ताकि उनके दिमाग में एक क्लियरिटी के साथ बैठ जाए, और जब क्लियरिटी के साथ बैठ जाएगी तो बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तब यहाँ पर 5th हाउस अगेन एजुकेशन का, एंटरटेनमेंट का, चिल्ड्रन का, इसका लॉर्ड यहाँ पर चला गया 7th हाउस में, तो ये एजुकेशन वाइज जो 7th हाउस है वो एक तरह से पब्लिक के बीच में यहाँ पर एक स्टेटस है उसके काम के प्रति, वो घर के प्रति समाज में, लेकिन जो वर्किंग प्लेस का एक स्टेटस है वो उन लोगों के बीच में, ये स्टेटस को इंडिकेट करता है। जब यहाँ का लोग 7th में चला गया तो बच्चे अच्छा काम करते हुए दिखाई देंगे, इनका एंटरटेनमेंट की या अपनी इच्छाएं हैं सॉल्यूशन को लेके वो भी सभी की अपील है। शुक्र की राशि में 6th हाउस में बुध बैठा हुआ है, यहाँ पर रेट्रोगेट है, वो पीछे भी आएगा, लेकिन यहाँ पर अगर देखें बुध बैठा है तो कोई ना कोई ये सोर्स ये बताता है इसके मल्टीपल काम हो सकते हैं, या इसका काम जो है वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड या डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड हो सकता है जो कि इनका था। सप्तम भाव में मंगल बैठा हो चाहे D1 में चाहे D9 में, तो एक मांगलिक कंडीशन भी बनती है। यहाँ पे 12th हाउस में मार्स बैठा हुआ है, यहाँ पे भी बैठा हुआ है,
तो मांगलिक का चार्ट ये लगता है, क्योंकि बाकी भी पाप ग्रह बैठे हुए हैं, तो उसी हिसाब से ये 100% एक मांगलिक कुंडली है। लेकिन उस टाइम पे उन्होंने गुणगान किया होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरे पास तो बहुत लेट चार्ट अभी आया और मैंने एक रेफरेंस के लिए इसको रखा हुआ था, जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसलिए किसी भी चार्ट में जो एनर्जी है, फिर मैं आऊंगा पंचांग के हिसाब से जो आगे का चीज देखते हैं, लेकिन अभी के लिए फिलहाल ये देख सकते हैं कि मांगलिक कुंडली होने से कुछ ना कुछ एनर्जी को कंट्रोल करने की जरूरत होती है, अदरवाइज वो एनर्जी डोमिनेटिंग होके वो उस बंदे की पर्सनैलिटी में, उसके बिहेवियर में। जैसा हमने देखा है कि जो सूर्य है आत्मा का कारक है, जो गुरु है वो प्राण है, वायु है, वायु शरीर के अंदर है तो प्राण है, और मंगल है वो देह है। तो इस तरीके से अगर हम ये देखते भी हैं तो यहाँ पर देखिए कि उसकी एनर्जी का जो फ्लो है यहाँ पर, फिर किसी से देख सकते हैं। सूर्य यहाँ पर चंद्रमा की राशि में बैठा है, और लोग शास्त्रों में ऐसा पढ़ के या प्रैक्टिस में बताते हैं कि अष्टम भाव में अगर सूर्य बैठा हो तो उसको अष्टम भाव का जो दोष है वो नहीं लगता है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि भाई कुछ ना कुछ पिताजी के जीवन में मेहनत ज्यादा होगी, उनके काम में थोड़ी बहुत रुकावट आई होगी, लेकिन ओवरऑल अगर वैसे देखा जाए तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं दिखती। अब यहाँ पर क्योंकि एक चीज देखें कि अगर नवम भाव का स्वामी अष्टमेश में गया, अपने से ट्वेल्थ में गया, तो इस बंदे को अपने ही, मतलब आप पूरे साइकिल को देखोगे, रिलेशनशिप की जिम्मेवारी इतनी रही होगी जिसकी वजह से ये उन जिम्मेवारियों को निभाने के लिए अगर ये चंद्रमा की राशि में बैठा हो, इसने अपनी भरपूर कोशिश की होगी सबके प्यार, लेकिन कुछ ना कुछ इसको कुछ लोगों ने, इसमें परिवार के लोगों ने इनके जीवन में भी कुछ कठिनाई देने की कोशिश की होगी। पिताजी, बात अभी पिताजी के लिए, क्योंकि सूर्य जो कारक है वो पिताजी का है और यहाँ नवम भाव का स्वामी भी सूर्य है। केतु यहाँ होने से तो हम ये कह सकते हैं कि भी इनके पिताजी के पास कुछ ना कुछ ऐसी विद्या जरूर रही होगी जिससे ये लोगों को कुछ आशीर्वाद देते होंगे, जिससे उनका कल्याण होता होगा। यानी रिलीजियस आप कह सकते हो कि इनका प्रॉपर, अगर मान लीजिए ये शास्त्री हैं, संस्कृत के टीचर हैं, तो ये हो सकता है कि इस तरह की कोई चीजें जहाँ पर वो श्लोक्स के द्वारा किसी को आयुष्मान टाइप का आशीर्वाद देते। यहाँ पर दशम भाव में फिर बुध की राशि है, वो यहाँ पर बैठा हुआ है, तो यानी इनका जो जिंदगी का मेन मकसद है वो लोगों की सेवा करना, क्योंकि तो सिक्स हाउस हाउस ऑफ सेवा भी है, लोगों को सर्विस देना वो भी है। सेवंथ हाउस का जो लॉर्ड है वीनस, वो चला गया थर्ड हाउस में शिवलिंग, यानी बड़ा भाई इधर देखो तो उसका छोटे भाई वाले घर में बैठा है, तो यानी एक रिलेशन बनता है डिजायर और फुलफिलमेंट में, जो डिजायर होंगी वो इनकी फुलफिलमेंट होती भी दिख रही है। यहाँ पर डिजायर कम हो सकती है, लेकिन जितनी भी डिजायर होंगी, जुपिटर भी बैठा हुआ है और वीनस उसके हाउस ऑफ डिजायर में गया है, इनकी डिजायर कम हो सकती है, लेकिन जो भी डिजायर होंगी इनकी बड़ी आसानी से फुलफिल होती हुई दिख रही है। और यहाँ पे फिर द्वादश भाव में या ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड जो गया है वो सेवन का, वही एक इंडिकेट करता है पत्नी इनके दूर स्थान से होंगे। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने आपके सामने D1 और D9 का एक चार्ट का एनालिसिस किया, कोई प्रिडिक्शन नहीं दी, कोई कुछ नहीं दिया अभी तक, सिर्फ कैसे कोरिलेट करके आपको हम उस लेवल तक ला सकते हैं पढ़ाई के द्वारा या प्लैनेट्स को समझते हुए, ताकि आप भी वैदिक ज्योतिष में आगे चल के अपना और समाज का नाम रोशन कर सकें। तो अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख के लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आगे चलते हैं दोस्तों। अगर मान लीजिए जो जो अभी मैंने चीजें बोली वो चीजें कब कब होंगी, अगर उन चीजों को हमें देखना है उसके लिए हम विंशोत्तरी दशा देखते हैं। अगर मैं मान लीजिए ये जे होरा सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ, जगन्नाथ होरा सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ, इसमें तीन तरह की राशियां, तीन तरह की दशाएं प्रोमिनेंटली दी होती हैं, एक विंशोत्तरी दशा, एक कालचक्र दशा और एक योगिनी दशा। मैं अपने कोर्स में तीनों से उस रिजल्ट को होते हुए दिखाऊंगा। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए सिर्फ राहु का एक पीरियड जो लिया है महादशा का,
2015 से 2033 यानी 18 साल का पीरियड, उसमें अंतर दशा में अभी इनकी शनि की अंतर दशा चल रही है, यानी मित्र में मित्र की चल रही है। तो अब मित्र से मित्र की चल रही है यानी 2012 से 2023 तक, तो इनके हाउस से राहु रिजल्ट अच्छा भी दे सकता है, बुरा भी दे सकता है। लेकिन जब ये इनका पीरियड स्टार्ट हुआ, ये वाला पीरियड स्टार्ट हुआ 27/8/2022 से, क्योंकि शनि प्रोफेशन का कारक भी है और इनका शनि खुद लगन में बैठा हुआ है, उच्च का होकर बैठा हुआ है। उससे पहले काफी टाइम तक इनके पास जॉब नहीं थी, ये अपने घर में बैठे हुए, मान लीजिए रिटायर्ड थे और रिटायर्ड में होके काफी 2-3 साल इन्होंने कोई नहीं किया। लेकिन क्योंकि ये इतने कर्म के हैं अपने, क्योंकि शनि यहाँ बैठा है, कर्म करना इनका काम है, बगैर काम ये रह नहीं सकते, तो ना जरूरत होते हुए भी रिक्वायरमेंट होते हुए क्योंकि काम करते हैं तो ठीक रहते हैं, तो इन्होंने यहाँ पर काम इस प्लेस में मिल गया। कहाँ पे मिला काम वो फिर देखना है कि यहाँ से देखिए शनि है जो दशम भाव का अपना देख रहा है, यानी इस शनि की जो दृष्टि है वो तो हम देखेंगे 3, 7 और 10। तो यहाँ पर चंद्रमा की राशि है, तो इनको वहीं पर किसी को केतु यहाँ पर दिया हुआ, तो शनि जो है प्रोफेशन भी है, शनि जो है वो लेबर के साथ काम करना भी है, तो इन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट वाला, क्योंकि मरकरी भी यहाँ बैठा हुआ है और शुक्र वो जहाँ पे दूध दही बनता है, प्लांट जहाँ पे मिल्क प्रोसेस होता है, और चंद्रमा इसका स्वामी है, चंद्रमा दूध है और उसको प्रोसेस करके जो प्रोडक्ट बनते हैं वो शुक्र है, और ये इनका इसके भाव में बैठा भी है गुरु के हाउस ऑफ प्रोफेशन, तो इस दिशा में वापिस इनको जॉब पर मिले। लेकिन इस बार क्योंकि मरकरी का इसमें रोल अभी नहीं है, तो मरकरी का जो रोल नहीं है तो ये अभी जैसे कॉन्ट्रैक्ट लेके सुपरवाइज कराके वहाँ पर उस बहुत से लोगों पर जो नीचे मेंटेनेंस दे रहे हैं उनके ऊपर उस लोग को सुपरवाइज कर। तो ये देखिए अगर वैदिक से भी आप ये चीजें इस तरह से निकाल सकते हैं, इसलिए वैदिक जो है मैं खुद बहुत प्योर फॉर्म ऑफ एस्ट्रोलॉजी मानता हूँ। अगर आप उसको पढ़ना सीख जाएं और उसको देख लें तो इसको पढ़ने का एक अलग ही वो चीज़ है। मैंने अभी तक कोई डिस्पोजिटर थ्योरी नहीं लगाई, कोई मैंने प्लैनेट का एक्सचेंज नहीं देखा, कोई मैंने प्लैनेट की डिग्री नहीं देखी, मैंने सिर्फ भाव देखा है, भाव में राशि कौन सी है और भाव में कौन सा ग्रह बैठा है। तो इससे आपको टोटल एक पिन पॉइंट करने के लिए चीजें दिख जाती। उसके बाद सूर्य इनकी अभी जो प्रेजेंट अगर हम देखें तो ये पीरियड अभी सूर्य की इनकी यहाँ पर महादशा, ये अंतरदशा, ये प्रत्यंतर, तो सूर्य के प्रत्यंतर में सूर्य कहाँ बैठा हुआ है, सेकंड हाउस। तो इस दशा में ये पर्टिकुलरली टाइम पे समझ लीजिए आप ये अपने परिवार के लिए, फाइनेंस के लिए काफी कुछ करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि शनि यहाँ पर जो है सूर्य जो यहाँ पर है वह 11th हाउस का लॉर्ड है, हाउस ऑफ फुलफिलमेंट, यानी अब ये हाउस जहाँ बैठेगा, ये इसका लॉर्ड जहाँ बैठेगा, तो कुछ ना कुछ इस पीरियड में परिवार से संबंधित इवेंट अच्छी होगी या बुरी होगी, एग्रेसिव होगी, नेगेटिव होगी, पॉजिटिव होगी, वो बाद की बात है। इस पीरियड में परिवार से संबंधित कोई ना कोई इवेंट होती हुई दिखाई दे रही है। इससे ज्यादा मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा एक डेमो वीडियो में। तीसरी जो चीज यहाँ पर मैंने पहले D1, दूसरी D9, तीसरी मैंने दशा सिस्टम, चौथा मैं अष्टक वर्क को भी यहाँ डिस्कस करना चाहूंगा। अष्टक वर्क इटसेल्फ एक प्रिडिक्शन देने के लिए सफिशिएंट चीज है। अब जो मैं आपको डिजायर और डिजायर को फुलफिलमेंट के लिए कह रहा था, हाउस ऑफ डिजायर भी देखिए 30 पॉइंट्स हैं, क्योंकि बंदे की डिजायर इतनी नहीं है, है 30-28 कम नहीं होती, लेकिन 28 पॉइंट पे अच्छा माना जाता है, और ये तो यहाँ 30 है, लेकिन देखिए फुलफिलमेंट में तो 39 है, तो यानी जितनी भी डिजायर है उससे जितना चाहेंगे उससे ज्यादा ही मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा ही है प्रोफेशन में, जितना काम करेंगे उससे ज्यादा ही मिलते दिख रहा है, ठीक है, ये सर्विस का है, जितना एफर्ट करेंगे सर्विस में सेवा करेंगे उससे ज्यादा मिलते हुए दिख रहा है।
खर्चे इनके कम दिख रहे हैं, पर बैंक बैलेंस भी इनका कम दिख रहा है। कहाँ मनी जा रही है वो एक अलग बात है। ठीक है, इस तरीके से आप इस चीज को अलग अलग भाव को देख सकते हैं, और ये हमारे कोर्स का पार्ट है। तो मैं अभी तक आपके साथ चार चीजें शेयर कर चुका हूँ। अगर मैं पांचवी चीज के लिए आपसे शेयर करूं कुछ एक और चीज, तो वो यहाँ शेयर इस फॉर्म में करना चाहूंगा कि जो पंचांग है, जिस दिन जातक का जन्म हुआ उस दिन का पंचांग बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम एस्ट्रोलॉजी में कोई भी हमारे पास कंसल्टेंसी के लिए आता है, तो हम उसको सिर्फ ग्रह दशा और ये सब देख के बता देते हैं, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करने के लिए जिस दिन वो जन्म लिया उस दिन का पंचांग सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये हमारे कोर्स का बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है। अगर मैंने गेहूं भी किसी पर्टिकुलर क्वालिटी का बोया है, आजकल आप जाओगे कहीं पे अनाज लेने जाओगे तो हम जैसे नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, हर कोई कहता है एमपी का आटा दे दो, जबकि हरियाणा और पंजाब में बहुत गेहूं होता है यहाँ पे, और मध्य प्रदेश यहाँ से दूर है। अब क्या वजह है कि वहाँ फर्टिलाइजर कम यूज होता है, क्या वजह है कि वहाँ पानी का अच्छा है, क्या वजह है कि वहाँ का क्वालिटी अच्छा है, लेकिन आप देखेंगे कि लोग स्पेशल किसी भी आप किराने की दुकान पे जाएं तो लोग आपको जो जिनको पता है वो आपको एमपी का आटा, कोई भी ब्रांड मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन स्टेट की बात कह रहा हूँ, लेकिन आज से कुछ समय तक पहले तक यही चल रहा था कि हरियाणा और पंजाब में भी गेहूं बहुत। वो एक अलग बात है कि भी कहाँ से क्या है, लेकिन मैंने आपको एक एग्जाम्पल इसलिए बताया कि उस दिन का पंचांग तो ये उस टाइप की क्वालिटी को इंडिकेट करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ का गेहूं अच्छा नहीं है, कोई भाई मेरे वीडियो पे ये कमेंट डाले ना, ये बिल्कुल नहीं है, बट मैं ये बता रहा हूँ जहाँ चीज दिखती है, जहाँ मार्केटिंग होती है, अगर मार्केटिंग भी अगर नेगेटिव भी होगी तो उसकी असलियत बाहर आए बगैर रहती नहीं। अगर उसमें कोई पॉजिटिव चीज है तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि अगर ये पॉजिटिव चीज है और वहाँ का क्यों अच्छा है तो यहाँ क्यों नहीं अच्छा है, हम भी यहाँ की ऐसी सिचुएशन करें कि ये भी उस क्वालिटी का दिखे, ये चीज हमें देखने की जरूरत। अब उसी पंचांग में पांच चीजें होती, तिथि, वार, करण, नक्षत्र और योग। तिथि तो हमें पता ही है, अगर देसी महीने से करें प्रतिपदा से लेके पूर्णिमा तक या अमावस्या तक 15 दिन बनते हैं, इसी तरीके से वीक डे 7 है, नक्षत्र 27 है, योगा भी 27 है और करण 11 है। तो इन सब चीजों का समीकरण करने से हम देख सकते हैं कि जातक जो अगर किसी पर्टिकुलरली तिथि में पैदा हुआ है तो उसका उस तिथि का वो इस जीवन में अगर ये 12 भाव हैं, इन 12 भाव में बहुत सारे हमारे जिंदगी के रिलेशन छुपे हुए हैं, उन 12 भाव से वो कैसे रिलेशन निभाएगा वो तिथि से हम पता कर सकते। वार में यानी डे में वो किस प्रकार की एनर्जी के साथ, किस प्रकार की ऊर्जा के साथ काम करेगा वो देख सकते हैं। करण से हम ये देख सकते हैं कि वो इस जीवन में किस प्रकार के कर्म करेगा अपना जीवन यापन करने के लिए। अब इन तीनों की करेक्टरिस्टिक को अगर हमने बारीकी में जाके देखना है तो वो नक्षत्र और योगा से हम देख सकते हैं। तो इसीलिए कुछ क्लासेस हमारी स्पेसिफिकली, मैं ये नहीं कह रहा कि हम पंचांग पढ़ाते हैं, पंचांग तो पढ़ाना या देखना एक अलग बात, लेकिन इनका चार्ट एनालिसिस में क्या रोल है वो हमारे कोर्स का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। तो आप चाहें तो हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको अभी तक की जो मैंने डेमो दी है वो डेमो का जो एक नटशेल में है कि हम क्या क्या कहेंगे पढ़ाएंगे आपको कोर्स में, वो ग्रह और ग्रहों का अध्ययन और ग्रह और प्लैनेट या हाउसेस का अध्ययन, चाहे वो ब्लैंक टाइप की प्रडिक्शन है, चाहे वो उनकी बेसिकली राशियों से संबंधित है, वो भी कहीं ना कहीं से कोरिलेट होती हुई दिखेगी। प्लैनेट्स का आपस में एक्सचेंज हो, रेट्रोग्रेड हो, डिस्पोजिटर हो, तो उनका क्या रोल रहेगा वो चीज, युति, दृष्टि और
ग्रहों से बनने वाले योग, योगों में योग, चाहे बुध आदित्य योग हो, चाहे गज केसरी योग हो, चाहे आपका धर्मा कर्मा अधिपति योग हो, या सिंह योग हो, या मालाश्री योग हो, या और भी कई प्रकार के जो हैं कैटेगरी वाइज, चाहे आपके आप कहते हैं जैसे मालव्य योग है, शश योग है, इस तरह से कोई भी आपके योग है, तो वो सब चीजें डिपेंडिंग अपॉन द चार्ट्स और डिपेंडिंग अपॉन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, वो डिटेल में या आप कह सकते हैं ओवरव्यू के साथ कराए जाते हैं। हम जो प्रिडिक्शन करते हैं कोई एक दशा से नहीं करवाते, क्योंकि एक दशा से आपको पता चल जाता है ये इवेंट हो रही है, उसको कंफर्म करने के लिए, रिकन्फर्म करने के लिए, जैसे रिसर्च है वो सर्च करके ही रिसर्च होती है, वैसे ही अगर आपने किसी भी इवेंट को देखना है तो वो प्रिडिक्शन करनी है, तो कम से कम आपको दो या तीन दिशाओं का आपको चेक कर लेना चाहिए, चाहे कालचक्र से, चाहे योगिनी से, चाहे आप कुछ लोग त्रिभागी दिशा भी यूज करते हैं, कुछ लोग तो करते ही हैं, वो मेन है, तो उनमें से जो तीन बची हैं उनमें से कोई कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जो आपको आश्वासन दे रहा हूँ वो योगिनी और कालचक्र से दे रहा हूँ। ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स, गोचर सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर प्लैनेट, अगर राशि चार्ट में किसी चीज की हमें संभावना दिखती है, वो संभावना कब मिलेगी वो दशा से तो निर्धारित है, लेकिन अगर उसकी टाइमिंग निकालनी है और उसकी ब्लेसिंग लेनी है तो गोचर भी उसका अति अति आवश्यक है, या उसकी अंडरस्टैंडिंग भी जीवन में बहुत जरूरी है। अब चाहे हमारा चार्ट जैसा मर्जी है, जो इंसान के रूप लेके इस धरती पे आया है उसको भगवान ने बहुत अच्छा चार्ट दिया है, मैं नहीं मानता कि इसको रेमेडी उसकी जरूरत है, लेकिन जब वो उस चीज से हट जाता है, वो उस चीज से हट के कोई काम करने लगता है, चाहे कोई चाहे वो थोड़े दिन के लिए करे, चाहे कुछ साल के लिए करे, अगर उसकी एनर्जी वहां से डाइवर्ट हो जाती है या उसकी एनर्जी उसे कुछ नेगेटिव रिजल्ट के डायरेक्शन में ले जाती है, उन चीजों को वापस करने के लिए या आपकी एनर्जी को करेक्ट करने के लिए, आपकी लाइफ में सकारात्मकता लाने के लिए कुछ रेमेडीज होती हैं, जो वैदिक रेमेडीज की बात करें या राशिक की करें या तामसिक की करें, तो मैं पहले कहूंगा तामसिक हमारे पास कोई रेमेडी नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कुछ रेमेडी राशिक हो, लेकिन तामसिक कोई रेमेडी नहीं है, क्योंकि हमने क्लासिफिकेशन जो किया है वो बेसिकली सात्विक रेमेडीज के हिसाब से किया है, हम सात्विक रेमेडीज ही कराते हैं, कोई दूसरे प्रकार की रेमेडी करना चाहता है तो हमारा उसको पहले से ही नमस्कार। तो लास्ट जो पॉइंट है कि अगर मान लीजिए हमारा दो से तीन महीने का कोर्स चलता है, मैंने दो महीने की कमिटमेंट दी है, कुछ लोग इस कोर्स को छह महीने भी कराते होंगे, तो साल भी कराते होंगे, लेकिन इन कंटेंट्स के साथ अगर ये कोर्स मिनिमम टू महीने से पहले तो हो नहीं सकता, दो महीने से पहले पूरा नहीं हो सकता, इसकी ये है कि मिनिमम इतनी क्लासेस तो होंगी, चाहे इसके बाद ये कोर्स को कराने में इसकी और 50% क्लासेस बढ़ जाए, यानी अगर मैंने 16 लिखा है तो 24 क्लासेस भी गई, तो वो जब तक सेटिस्फेक्शन लेवल का कोर्स नहीं होगा तब तक हम उसको बंद नहीं करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, जो मैं इस वीडियो के द्वारा रिकॉर्ड करके आपको देना चाहता था वो मैंने दे दिया है। अगर किसी भाई बंधु को, किसी एस्ट्रोलॉजी सीखने वाले को, क्या कोई पहले से प्रैक्टिस कर रहा है, मेरी बात में कोई दम लगता होगा, मेरी बात उसको अच्छी लगी होगी, तो वो हमसे जुड़ सकता है। आप जुड़ने के लिए ईमेल भी लिख सकता है, और ये दो फोन नंबर दिए हुए हैं, दोनों पे व्हाट्सएप भी चलता है, तो इनके द्वारा हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो अंत में अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं जय श्री राम बोलते हुए आज की वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम।